नूह में बिछोर गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी है। बच्चों की परीक्षाएं सिर पर हैं, जिससे पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। ये स्कूल कई दशकों से शिक्षा के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब इस स्कूल के भी हालात ठीक नहीं है। देखिए रिपोर्ट। जब स्कूलों में ही शिक्षक ना हो तो शिक्षा कहां से मिलेगी। सुनिए ना सरकार, इन बच्चों की गुहार सुनिए। ये गुहार सिर्फ गुहार नहीं है, ललकार है शिक्षकों के लिए, जो करीब 6 महीने बाद जनता टीवी के कैमरे पर निकली है। इंतजार खूब किया, लेकिन अब इजहार भी कर दिया। अब आप भी इकरार कीजिए ना, जो छात्रों को चाहिए वो दीजिए ना, क्योंकि 11वीं और 12वीं के करीब 140 छात्र फिलहाल परेशानी में हैं। प्रिंसिपल नहीं है, जो हमारी इंग्लिश की मैम है, लेक्चरर, उन्हीं कई सारी जिम्मेदारियां आई हैं। उन्हीं को डीडी पावर गवर्नमेंट ने दे रखी है। हाँ, उन्हीं को ही दे रखी है। ऐसे में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बचाओ के दावे सरकार करती है जी, क्या क्या इस पर सरकार को सोचना चाहिए। एक तरफ तो वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ वो स्कूलों में अच्छी तरह से टीचर नहीं भेजती। 11th क्लास में पढ़ते हो और यहाँ पर टीचर नहीं है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस कम नहीं है, हिस्ट्री कम नहीं है, हिंदी कम नहीं है, इंग्लिश की सुनीता मैडम है, और यहाँ प्रिंसिपल भी नहीं है। प्रिंसिपल की पावर किसे दे रखी है यहाँ पर? सुनीता मैडम को दे रखी है। इंग्लिश पढ़ाती हैं? हाँ, वो इंग्लिश पढ़ाती है हमको। तो ऐसे में वो इंग्लिश पढ़ाएंगे या फिर प्रिंसिपल का पदभार संभालेंगे? तो पढ़ने में आपको बहुत परेशानी हो रही है पढ़ने में? स्कूल की चार दीवारी में ये बात कई दिनों से उठकर वही दम तोड़ देती थी, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं था। इंतजार भी खूब किया, लेकिन जब इंतकार और इंतकाल होने लगा तो इजहार जरूरी था। दरअसल नूह में बिछोर गांव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। यहाँ ना तो पॉलिटिकल साइंस टीचर, न हिंदी, न हिस्ट्री, और न ही कोई डीपी। इतना ही नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं है। जो वो सब्जेक्ट का टीचर होता है उसको ज्यादा अच्छा ज्ञान होता है, वो और अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाता है। तो सर ऐसे में बच्चों का आप भी समझते, प्रॉब्लम तो होती है, ये तो अंडरस्टैंड बात है कुछ। और बाकी तुम्हें पता ही भाई, हाई अथॉरिटीज हैं या जो वहाँ से प्रिंसिपल वगैरह प्रमोट भी हुए हैं बात में, लेकिन यहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं आया। हिस्ट्री पे वो काफ़ी 2 साल से लगभग वैकेंसी चल रही है, पॉलिटिकल की और हिस्ट्री की, लेकिन हिंदी की अभी पिछले जो जुलाई में अगस्त में ट्रांसफर हुए थे, अगस्त में जो ट्रांसफर हुए थे उनकी वजह से यहाँ पर हमारे पोस्ट वैकेंट है। एक टीचर हमारे हिंदी के जो गए हैं वो बीएड रेगुलर करने के लिए गए हैं गवर्नमेंट के, उससे इस वजह से 2 पोस्ट वैकेंट है। जब हमने प्रिंसिपल का पद संभाल रही अध्यापक सुनीता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि इस बारे में अधिकारियों से बात की जाए। अंदाजा लगाइए, जब प्रिंसिपल को ही नहीं मालूम, हालात और अधिकारियों से बात करने की बात कर रही हैं। बात तो चार दीवारी में हर वक्त उम्मीदों के सपनों के कत्ल का हादसा न होगा तो और क्या होगा। अब ऐसे में पूछता है हरियाणा कि कब सुधरेंगे हालात, कब मंत्री जी की बात सच साबित होगी, और कब आएंगे शिक्षा के अच्छे दिन। नूह से जनता टीवी के लिए कासिम खान की रिपोर्ट।